संकल्प समिति के चेयरमैन आदरणीय अर्जुन मेघवाल साहब, चुनाव प्रबंधन समिति के चेयरमैन माननीय नारायण पंचार्य जी, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राव राजेंद्र सिंह जी, हम सब के वरिष्ठ नेता आदरणीय ओंकार सिंह जी लखावत साहब, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय अलका जी, महामंत्री माननीय मोतीलाल जी, मंत्री भाई विज्ञेश जी, यहाँ उपस्थित सभी इस समिति के सभी हमारे वरिष्ठ सहयोगीगण, पत्रकार मित्रों, आप ही के सामने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब ने अपनो राजस्थान अभियान की शुरुआत की थी। सुझाव आपका संकल्प हमारा इस ध्येय के साथ 51 रथों की झंडी दिखाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जयपुर की जरा से शुरू किया था और मोटरसाइकिल पे भी सुझाव पेटिकाओं के माध्यम से राजस्थान के कोने कोने से सुझाव आपका संकल्प हमारा, आप जो सुझाव देंगे उस आधार पर हमारा संकल्प पत्र होगा। इस ध्येय के साथ पूरे राजस्थान में 200 ही विधानसभा में रथ और हमारी सुझाव पेटिका गई, हमारे कार्यकर्ता साथी गए और लगभग 8000 सुझाव पेटिकाएं पूरे राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर सुझाव के लिए गई और लगभग 5650 चौपालें आयोजित की गई और अपनो राजस्थान कार्यक्रम के निमित्त 2300 सम्मेलन आयोजित किए गए, जिसके माध्यम से अलग अलग वर्गों के लोग, गांव में, ढाड़ियों में, किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, यूनियन हो, व्यापारिक संगठन हो, अलग अलग संस्थाओं के लोग हो, सब लोगों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और उनको विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। भाजपा और आदरणीय मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया, असंभव को भी संभव करके दिखाया। ये विश्वास भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर राजस्थान की जनता का था। 1,23,00,000 लोगों तक पहुंचने का काम किया और 1,03,00,000 सुझाव पेटिका के माध्यम से यहां तक पहुंचे हैं। मैं इस माननीय अर्जुन मेघवाल साहब का और उनकी पूरी टीम का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान की जन जन का सुझाव इन सुझाव पेटिकाओं इसके माध्यम से आज यहां तक पहुंचा है। मैं सोचता हूं कि भाजपा जो कहती है वो करती है,
इसीलिए सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए लोग मोदी को चुनते हैं। ये बात इसीलिए जनता के मुंह पर है और आज इस निमित्त वो सुझाव पेटी का यहाँ पहुंची है। और आज ही के दिन आप ये देखिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चाहे रेलवे के सेक्टर में हो, चाहे रोड के सेक्टर में हो, चाहे रूरल डेवलपमेंट हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, चाहे मॉन्यूमेंट हो, हर सेक्टर में, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे रूरल रोड हो, चाहे सिविल एविएशन हो, चाहे गरीब का मकान हो, शौचालय हो, जो आज़ादी के 60 वर्षों में नहीं हुआ वो आदरणीय मोदी जी ने 9-9.5 वर्षों में करके दिखाया है। इसीलिए देश की जनता का विश्वास, प्रदेश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। ये इसी निमित्त आज आप सब लोगों के निमित्त बीच में आने का अवसर मिला। आप लोगों ने भी इसकी शुरुआत से लेकर अब तक आप लोगों का पूरा सहयोग रहा, मैं अपनी ओर से, पार्टी की ओर से आपका भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सीपी जोशी जी की बात को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। ये एक आउटरीच प्रोग्राम था, हमारी पार्टी ने एक पब्लिक पार्टिसिपेशन के तहत ये आउटरीच प्रोग्राम हाथ में लिया और 4 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में ये प्रोग्राम चला। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी ने इसकी शुरुआत की। आज जब बेटियां आई है तो प्रदेश अध्यक्ष जी आपके सामने देशवार्ता कर रहे हैं। जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी का हमारी पूरी टीम सभी सदस्यों मिलकर के इस काम को हमने किया। ये जो आउटरीच ये चला पब्लिक पार्टिसिपेशन में, हमने लोगों से मुलाकात की, जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर के संगठन हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर के संगठन हैं, इकोनॉमी के सेक्टर के संगठन हैं, उन सबसे मिले, एजुकेशन, हेल्थ, सभी से हमने राय दी और हमने ईमेल के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से भी सुझाव प्राप्त किए हैं। और अब आप देखेंगे तो करीब 6,00,000 सुझाव तो हमें 598,532 ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। ये दर्शाता है कि हमने जो टेक्नोलॉजी का यूज किया उसका भी प्रभाव पड़ा, जनता इससे जुड़ी। घर पे बैठा है लेकिन वो ईमेल करके हमें सुझाव भेज रहा है, वेबसाइट के जरिए सुझाव भेज रहा है, मिस कॉल्स के जरिए सुझाव भेज रहा है। इसलिए ये हमारा प्रोग्राम सफल हुआ पब्लिक पार्टिसिपेशन का। और मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि अब हो चुका है आह्वान, बनेगा विकसित राजस्थान। इसी ध्येय वाक्य के साथ सुझाव आपका, संकल्प हमारा, हम इस संकल्प पत्र को तैयार करेंगे। कुछ सुझाव हमने बैठकें करके लिया है, ये हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुझाव अब तक जो प्राप्त हुए हैं, हमारे जो पार्टी के माननीय एमपी हैं, एमएलए हैं, उन्होंने भी सुझाव दिए हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उन्होंने भी सुझाव दिए हैं। सबको हम संकलित करके आपके बीच में हम दोबारा आएंगे, हमारे संकल्प पत्र को जब हम रिलीज करेंगे तब हम आपके बीच में दोबारा आएंगे। आज हम इसलिए आए हैं कि हमारा एक इवेंट जिसको हमने आउटरीच प्रोग्राम नाम दिया, पब्लिक पार्टिसिपेशन वाला, वो पूरा हुआ, इसके लिए आपके बीच में। और आपने भी बहुत सहयोग दिया हमें समय समय पर, इसलिए आपका आभार प्रकट करते हैं। कार्यक्रम में मैं आपके साथ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगी, वो एक आकांक्षा पेटी को माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी को सौंप कर इस कार्यक्रम क्वेश्चन होंगे। मुख्यमंत्री जी दो गारंटी दे चुके हैं, 5 गारंटी देने की बात कर रहे हैं और साथ साथ कह रहे हैं कि भाजपा मेरी गारंटियों से डर गई है और इसलिए ईडी निरंतर रूप से राजस्थान में कार्रवाई कर। जिनकी कोई गारंटी नहीं है अब जनता उनकी कोई गारंटी नहीं मानती,
जो 5 साल पहले गारंटी देके गए थे हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, आज जनता पूछ रही है कि आप कहां गए। राजस्थान के किसानों ने आत्महत्या की है और हजारों किसानों की जमीन नीलाम होने की कगार पर है, युवा को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला तो इसका जिम्मेदार कौन है। आज राहुल गांधी जी राजस्थान आना नहीं चाहते, ये कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, वो अशोक गहलोत जी का चेहरा नहीं देखना चाहते, पता नहीं किस बात का गुस्सा है, तो उनकी बहन को लेकर आ गए कि आप गुस्सा करिए, अब राहुल जी तो नहीं आ रहे, लेकिन अब जनता काट की हांडी बार बार नहीं छेड़ती। इसलिए गारंटी किसी की है तो मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया, जनता को विश्वास है भाजपा और आदरणीय मोदी जी के ऊपर। देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका, डर किस बात का? अगर आप ठीक हैं तो आपको चिंता किस बात की है? गोपाल केसावत कुछ दिनों पहले गिरफ्तार हुए, नोटों की गड्डियों के साथ गिरफ्तार हुए, उसके बाद गिरफ्तारी के बाद कुछ दिनों बाद उनके ऊपर भ्रष्टाचार की धाराएं हटा दी जाती है। आप बताओ राजस्थान के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का पाप किसने किया? सलमान सुरेश जाका का वकील सलमान खुर्शीद को किसने करवाया? किसने डॉक्टर जारोली ने कहा कि ये डोर ऊपर तक है, जो इसके बोर्ड के चेयरमैन थे। आरपीएससी के मेंबर ने कहा मैं 1.5 करोड़ रुपया देकर आरपीएससी का मेंबर बना। कोई गरीब का बेटा था, कोई किसान का बेटा था, कोई दलित के घर का चिराग था, कोई आदिवासी के सपनों का, सब कुछ था, लेकिन आज उनके लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का पाप इन लोगों ने किया है। तो कहीं कहीं, चाहे राजीव गांधी स्टडी सर्कल हो, चाहे कलाम कोचिंग सेंटर हो, कहीं कहीं इस दायरे में है आज राजस्थान के लाखों युवाओं का न्याय मिल रहा है। आप अगर गलत नहीं है तो डर किस बात का? देखिए उनके बेटे का तो राजस्थान के वैभव की जगह तो उनके बेटे वैभव की चिंता ज्यादा की उन्होंने, और ये बहुत पुराना मामला है। ये आज इनको ईडी की चिंता हो रही है। अच्छा होता राजस्थान की एजेंसियों को अपने विधायक और मंत्रियों की पीछे नहीं लगाते, उनकी सीआईडी के लिए नहीं लगाते, और अपनी सरकार बचाने के लिए नहीं लगाते, और कुछ अपराध रोकने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लगाते तो शायद ये दिन नहीं देखने। जोशी जी मेरा सवाल ये है कि राजस्थान की जनता 2 बार लगातार भाजपा के खिलाफ 25 के 25 सांसद, फिर भी राजस्थान की हालत विकसित होने के बजाय नीचे ही आता जा रहा है, फिर दोबारा सत्ता मांग रहे हैं। किसने कहा? मैं दावे के साथ कहता हूं किसी भी कांग्रेस के नेता को बिठा दीजिए और जनता के बीच में आप आ जाइए कि आज राजस्थान में 60 सालों में, मैं कह रहा हूं मेरी बात को आप रिकॉर्ड करिएगा, जितने प्रधानमंत्री गरीब के नहीं आवास नहीं बने, जितने शौचालय नहीं बने, जितने जनधन के खाते नहीं खुले, जितने रेलवे के काम नहीं हुए, जितने नेशनल हाईवे हो, चाहे केंद्रीय सड़क निधि की सड़कें हो, चाहे सिविल एविएशन का काम हो, कौन कहता, चाहे जल जीवन मिशन हो, अगर केंद्र की योजनाओं को हटा दो तो गहलोत साहब मजीरा बजाने के अलावा कोई काम नहीं होता। जितने डेवलपमेंट के काम हुए वो केंद्र नित योजनाओं के काम है। शायद केंद्र की योजना, शायद केंद्र सरकार अगर मदद नहीं करती तो राजस्थान की सरकार ने किया क्या 5 सालों में? सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने के अलावा कोई काम नहीं किया। मुख्यमंत्री ने बोला है कि बार बार जो ईडी जहां जाती है वहां हमारी सरकार बनती है, पहले भी जहां ईडी गई वहां हमारी सरकार बनी, और इस बार भी बार बार ईडी ला रहे हैं तो हमारी सरकार बनेगी, तो फिर डर किस बात का? इनको डर सता रहा है कि इनका असली चेहरा जनता के सामने आ रहा है, इनको डर सता रहा है कि इनका भ्रष्टाचारी चेहरा जनता के सामने आ रहा है। इन्होंने 5 साल में जितने काले कारनामे किए हैं राजस्थान के इतिहास में, इस ये 5 सालों जैसा इतिहास कभी जनता ने नहीं देखा। देखिए माननीय मंत्री जी ने जैसे आपको कहा, हर गांव ढाणी में सुझाव पेटिया गई, हर संस्था के पास गए, जितने ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे अर्थव्यवस्था से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, चाहे किसानों से संबंधित हो, सब क्षेत्रों के सुझाव आए हैं, और ये सुझाव पेटिका खोलने के बाद इन सुझावों के साथ संकल्प पत्र भाजपा का बनेगा।
कुछ सीटों पर बड़ी आप लोगों को विरोध देखना पड़ रहा है। चर्चा ये है कि एक बार फिर से पार्टी विचार कर रही है उन सीटों पर उम्मीदवार बदले जा सकते हैं, उसी की चर्चा है। देखिए चुनाव में हर चुनाव में होता है क्योंकि जहां भाजपा की सरकार बनती हुई दिखती है स्वाभाविक है हर कार्यकर्ता चाहता है जो मेहनत करता है तो निर्णय एक के लिए पक्ष में होता है पर एक उम्मीदवार बनता है। लेकिन सभी हमारे पार्टी परिवार के लोग हैं, सब लोग पार्टी का काम करेंगे, सब लोग साथ में आके काम करेंगे। आप तक आमतौर से आपके ऊपर आरोप लगाया आपकी पार्टी के विधायक ने, देखिए स्वाभाविक है सारा सामूहिक निर्णय होता है लेकिन अच्छा सारा हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड और जो गलत होता है सीपी जोशी अपने ऊपर लेता है। अजय जी मेरा सवाल था कि पार्टी दोबारा विचार करेगी कितना बदलाव करेगी है। देखिए भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं होता, निर्णय हो गया बाकी हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड जो भी निर्णय करेगा वो स्वीकार। अध्यक्ष जी अंदर से भी उधर से वो सीपी जोशी साहब का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये कहा है कि हुड्डा ने क्योंकि कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया इसलिए और किरोड़ी लाल मीणा को ठेका दे दिया है ईडी को कंप्लेंट करने की, अगर हम शिकायत दर्ज कराएंगे तो ईडी उसमें कार्रवाई नहीं करती है और दलित शिक्षकों के मामले लगातार शिकायत दे रहे छह वाली लेकिन कार्रवाई नहीं करती, उन्होंने आपके ऊपर ईडी का दुरुपयोग करने का लगाया। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप पाक साफ हैं आप ईमानदार हैं तो डर किस बात का लग रहा है। रंधावा जी के बारे में तो मैं कुछ कहना नहीं कहना चाहता कि उन्होंने जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए किया मोदी को खत्म कर दो मोदी के बारे में, हाँ जिनके प्रति लोगों का विश्वास है उनके प्रति आप ऐसी बात करते हो तो उनके शब्दों के उनके स्टेटमेंट पर तो मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। मुझे लगता है आप सब लोग ईडी से कांग्रेस तो परेशान है आप मैं यह बताता हूँ कि राजस्थान में एंटी करप्शन ना आपके लिए नहीं एंटी करप्शन ब्यूरो में कितने मामले दर्ज हुए कितनों की अभियोजन स्वीकृति हुई, जो चोर थे भ्रष्टाचारी थे उन्हीं को उन्हीं के स्थान पर बिठाया कि नहीं बिठाया। तो चोरों को अगर चोर सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उनको सजा मिले और सजा की जगह अगर इनाम मिलता है और राजस्थान के लाखों युवाओं को जस्टिस मिलने का काम कहां वो न्याय की गुहार कर रहे थे, और हम ही नहीं इनकी पार्टी के लोग भी पदयात्रा करी थी और उसमें इनके कई मंत्री और विधायक शामिल हुए थे तो क्या उन युवाओं को न्याय नहीं मिलना चाहिए और उन अपराधियों तक नहीं जाना चाहिए जिन लोगों ने इस प्रकार का पाप किया। सवाल ये है एक के बहुत शीघ्र ही हमारी सारी सुझाव आ गए हैं उनको संकलित करके शीघ्र ही घोषणा पत्र। एक लास्ट क्वेश्चन पीछे से देखिए जिस प्रकार से इन्होंने चोरों को बचाया भारतीय जनता पार्टी ऐसे चोरों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। साथियों जैसा कि आपको मालूम है कि 4 तारीख को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की गरिमा में उपस्थिति में हमने एक अभियान की शुरुआत की आपको राजस्थान सुझाव आपका संकल्प हमारा, और इस अभियान के माध्यम से हमने हर बूथ तक पेटियां पहुंचाई, एलईडी रथ के माध्यम से हमने पेटियां पहुंचाई, एक अनूठा कार्यक्रम जिसके माध्यम से हर जन तक हम पहुंचे और ये उनसे सुझाव लिए उनकी क्या अपेक्षाएं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ में ये सभी सुझाव हम लोगों ने एकत्रित किए। जब लोग गए क्षेत्र के अंदर एक नवीन कार्यक्रम एक अनूठा कार्यक्रम रहा जिसमें बहुत लोगों का बहुत एप्रिसिएशन हमें मिला कि पहली बार ऐसा हुआ कि किसी पार्टी के सदस्य क्षेत्र तक पहुंच रहे अगली बार अपनी बात कहने नहीं उनकी बात सुनने के लिए। तो इस अनूठे कार्यक्रम के लिए मैं सभी लोगों को हमारे पार्टी के सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आगे बढ़ते हुए इस कार्यक्रम में जब हम लोग पहुंचे लोगों तक हर गांव में हर ढाणी में हम लोग पहुंचे तो एक भावना जो सबके सामने आई जो एक कॉमन भावना थी जो पूरे राजस्थान से आई वो थी कि मोदी साथ है, लोगों को ये विश्वास है कि मोदी जी राजस्थान के साथ हैं और इसी भावना
अनवर खान है आपकी पूरी टीम लगी Oh,